तो गाइस आज की वीडियो में हमारे पास एक और सोनी का कैमरा है जिसका नाम है साइबर शॉट। तो चलिए अब इसका रिव्यू देते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कैमरा कितना बढ़िया है। सो गाइस, तो फिर इस कैमरे में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और गाइस इसमें आपको 5x ऑप्टिकल जूम मिलता है और 10x डिजिटल जूम मिलता है। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक लाइट मिल जाती है फोटो खींचते समय जो काम आएगी हमारे। और गाइस यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, यहाँ पे ये शटर बटन दे रखा है इसमें, और ये इसका चार्जिंग पोर्ट है, और ये इसके मोड्स चेंज करने का बटन है। ये कैमरा वाला मोड है, ये नीचे करेंगे हम तो ये पैरानोमा वाले मोड पे आ जाएगा, और नीचे करेंगे तो ये वीडियो वाले मोड पे आ जाएगा। और यहाँ पर इसमें ये बटन दे रखे हैं, लगता है ऐसा रहा है जैसे जॉयस्टिक है, इस पे गेम में खेल सकते हैं, लेकिन नहीं, ये बटन दे रखे हैं अलग अलग चीजें कंट्रोल करने के लिए। और नीचे यहाँ पे आपको इसकी बैटरी मिल जाती है, यहाँ पे इसकी बैटरी लगी हुई है, ये इसका मेमोरी कार्ड लगा हुआ है जिसे आप ऐसे पुश करके निकाल सकते हैं और ऐसे लगा सकते हैं, और बैटरी को भी आप साइड वाला हटा के इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको मैं वापस लगा देता हूँ, इसको हम बंद कर देते हैं। तो चलिए अब इस कैमरे को आपको ऑन करके दिखाते हैं। तो इसे हम ऑन कर देते हैं, जब हम इसे ऑन करेंगे तो सामने इसका कैमरा पॉप अप होकर बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। तो गाइस इसके 16 मेगापिक्सल की कैमरे की क्वालिटी काफी बढ़िया है, आपके मोबाइल की क्वालिटी से भी अच्छी आएगी इसकी फोटोज। तो फिर अभी मैं इससे फोटोज खींच के आपको दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके बटन किस काम के हैं। तो आप देख, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये बटन दे रखा है, तो यहाँ से आप अपनी गैलरी खोल सकते हैं फोटोज की। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ फोटोज खींच रखे हैं अपने डॉग के, देख सकते हैं आप, और ऐसे फोटो में आप इन वाले बटन से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और गाइस इससे आप ऐसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, इससे आप अपनी नेक्स्ट फोटो वगैरह कर सकते हैं, और यहां से आप डिलीट कर सकते हैं फोटोज को। चलिए वापस अपने नॉर्मल कैमरा पे आ जाते हैं। तो इस बटन से आप लोग टाइमर सेट कर सकते हैं, इस वाले बटन से आप लोग टाइमर सेट कर सकते हैं कितनी देर में फोटो खींचनी है, जिससे आप लोग टाइमर सेट कर सकते हैं। और गाइस इसको चलिए हम बंद कर देते हैं। और ये वाला जो आपको बिजली जैसा बटन दिखाई दे रहा है, इस वाले बटन से आप लोग फ्लैश को सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये भी ऑटो पे सेट है तो ऑटो पे सही है, बीच वाले बटन से ओके होता है तो ओके कर दिए। फिर ये जो मेन्यू वाला बटन है, इससे आप मेन्यू खोल सकते हैं इसका। यहाँ पे आपको काफी सारी सेटिंग्स मिल जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस डिटेक्शन इसमें आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और गाइस ये इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप जब स्माइल करेंगे तब इससे फोटो अपने आप क्लिक हो जाए, तो ये सब भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सब टाइप की इसमें सेटिंग्स मिल जाती हैं, तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं। तो गाइस तो चलिए मैं आपको इससे फोटोज खींच के दिखाता हूँ और वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। तो अब मैं आपको फ्लैश जला के दिखाता हूँ इसका। तो यहाँ पर फ्लैश जलेगा इसका, तो गाइस ये भी अच्छा खासा ब्राइट है। मैं नीचे दिखाता हूँ आपको इससे जला के फ्लैश, देख सकते हैं आप बहुत ज्यादा ब्राइट है इसका फ्लैश। और यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं, बहुत ज्यादा ही ब्राइट आई होगी क्योंकि फ्लैश जला दिया था इसका। तो चलिए अब इसके फ्लैश को ऑफ कर देते हैं। तो गाइस अब मैं आपको इससे फोटोज खींचकर दिखाता हूँ और वो फोटोज आपको यहाँ स्क्रीन पर शो हो जाएंगी और उसको देखकर आप जज कर सकते हैं कि इस कैमरे की क्वालिटी कितनी बढ़िया है। तो गाइस एक फोटो हमने इससे विद फ्लैश खींची है और एक फोटो विदाउट फ्लैश खींच ली है, तो फिर आप देख उसमें भी डिफरेंस देख सकते हैं कि फ्लैश के साथ क्या डिफरेंस आता है और फ्लैश के बिना क्या डिफरेंस आता है। तो गाइस यही था आज की वीडियो के लिए, लेकिन अगर आप लोगों को इसका कंपैरिजन वीडियो देखना है इसका और हमारे मून जूम वाले कैमरा का, तो वो आपको 1 वीक के अंदर मिल जाएगा। तो फिर उस वीडियो को देखना आप ना भूलें, तो वो वीडियो आपके 1 वीक के अंदर यहाँ पर आ जाएगी, तो उसको आप जरूर देखें। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और ऐसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।